मैं जिंदा हूँ, मुझे मत अपनाओ। ये तुम्हें भी कोई आवाज आ रही है? यार मुझे भी आवाज लग रही है यार। विजय, आवाजें आ रही हैं, किसकी है ये आवाज? मुझे मत अपनाओ। और इसे रखो, ये आवाज है कोई मौलवी को सदू है मैया की जो आवाज आंदा पे। तू जा किसी मौलवी को बुला के ला। इसने बहुत सारे लोगों के हकूक खाए हुए हैं। जब तक सब लोग इसे माफ नहीं कर देंगे तब तक ये कब्र के अंदर जाने से डरेगा। मैं इसके पास गार्ड की नौकरी करता था, ये मुझे तनख्वाह नहीं देता, फिर भी मैं अल्लाह ताला के वास्ते मैं माफ करता हूँ। ए मेरी दुकान ते अंदर सिर के पिंदा चोरी, मैं खुदा वास्ते को माफ कीते हूं। मैं इसके पास काम करता था, ये मेरी तनख्वाह नहीं देता था, फिर भी मैंने इसको माफ किया। शहादत, मुझे मत दबाओ। ये अभी भी देखो तड़प रहा है, ये क्या वजह है? मैं बताता हूँ क्या वजह है। ये माँ बाप का दिल दुखाता था, उनको बहुत परेशान करता था, उनको वक्त नहीं देता था, सारा दिन दोस्तों के साथ रहता था, इसीलिए ये कब्र के अंदर जाने से डर रहा है। दोस्तों, जिस जिसने माँ बाप का दिल दुखाया है, जाके अपने माँ बाप से माफी मांग लो, वरना तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी।